नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा धूरिया। बरसाने की लठमार होली तो आपने देखी और सुनी होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके की लठमार दिवाली के बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं लठमार दिवाली के बारे में, जो काफी रोमांचक होती है। एक तरफ जहाँ देश भर में दीपावली के त्योहार में लोग पटाखे और रोशनी के साथ मनाते हैं, तो वही उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में दीपावली मनाने का तरीका बेहद ही अनोखा है। बुंदेलखंड की दीपावली एक दिन की नहीं बल्कि हफ्तों तक चलती है। यहाँ दीपावली में लोग ना तो पटाखे फोड़ते हैं और ना ही रोशनी करते हैं, बल्कि इनका दीपावली मनाने का तरीका अलग है। लठमार दिवाली में वीरता का पुट है और ये नृत्य युद्ध कला को दर्शाता है, इसलिए यहाँ की दीपावली को दिवारी कहा जाता है। बुंदेलखंड में धनतेरस से लेकर दीपावली की दूज तक गांव-गांव में दिवारी नृत्य खेलते नौजवानों की टोलियां घूमती नजर आती हैं और दिवारी देखने के लिए हजारों की भीड़ जुटती है। दिवारी खेलने वाले लोग इस कला को श्री कृष्ण द्वारा ग्वालों की सिखाई गई आत्मरक्षा की कला मानते हैं। एक हफ्ते तक चलने वाली इस दिवारी में अजीबोगरीब खेल होते हैं, जिसमें लठमार दिवारी मुख्य है। इस लठमार दिवारी में ग्रामीण सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर लठमार कला दिखाते हैं। यहाँ के बुजुर्गों और जानकारों की माने तो बुंदेलखंड की ये दीपावली द्वापर युग से चली आ रही है। कहते हैं द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान अपने ग्वाल सखा के साथ दिवारी खेला करते थे। बुंदेलखंड का परंपरागत लोक नृत्य दिवारी, जिसने न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में अपनी धूम मचा दी है। इसमें जिम्नास्टिक की तरह कई करतब दिखाए जाते हैं, जो वाकई में अद्भुत है। अलग तरह से बज रही ढोलक की थाप खुद ब खुद लोगों को थिरकने पर मजबूर कर देती है। इस कला को हर बुंदेली सीखना चाहता है। बुंदेलखंड का दिवारी लोक नृत्य गोवर्धन पर्वत से भी संबंध रखता है। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था, तब ब्रजवासियों ने खुश होकर दिवारी नृत्य कर श्री कृष्ण की इंद्र पर विजय का जश्न मनाया था और ब्रज के ग्वाल वाले ने इसे दुश्मन को परास्त करने की सबसे अच्छी कला माना था। यही कारण है कि इंद्र को श्री कृष्ण की लीला देखकर परास्त होना पड़ा था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।